हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। हम लोग 1200-2000 कामगार मर रहे हैं, 10 महीने पगार हो गया नहीं। हम लोग करे तो क्या करे, हम हमारे ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे बच्चे लोग कौन देखेगा, कौन देखेगा, कोई तो बताओ, हमारा कोई माँ बाप है? ये जो चक्का जाम हुआ है ये 9 महीने से, 9 महीने से पेमेंट नहीं है। हजारों वर्करों ने रास्ता रोक कर आंदोलन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम हो गई है। आपको बता दें कि ठाणे शहर की ये तस्वीर है, जहां पर पैनामा कंपनी में काम करने वाले हजारों वर्कर्स रास्ते पर उतर गए और आंदोलन करना शुरू कर दिया। दरअसल वर्कर्स का कहना है कि उन्हें पगार नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मजबूर होकर ये तमाम वर्कर्स जो है आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिए हैं। सड़कों पर बैठकर आंदोलन होने की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस वर्करों को समझाने की कोशिश करने लगी कि इन्हें रोड से किसी तरह से हटाया जाए और दोबारा जो है यातायात शुरू की जाए। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों ने क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। मेरा नाम ज्ञानेश्वर मधुकर काले। 9-10 महीना हो गया हम लोग को पगार दिया नहीं है, और हमारा मूल मालक है रॉकी मल्होत्रा, राजू मल्होत्रा। आम्ही एक्टी साहब फाइनेंसर है, रॉकी साहब रॉकी के साथ और राजू साहब के साथ हमारा मीटिंग हो गया। राजू साहब बोलते हैं 1600 करोड़ रॉकी साहब ने लिया है, रॉकी साहब बोलते हैं राजू ने पैसा लिया है, आरके मल्होत्रा ने लिया है। इनका जो आपस में एग्रीमेंट हो गया है उसमें हम सब 1200 कामगार को ये लोग ने बेच दिया है रॉकी साहब ने। तो हमारा कहना इतना ही है कि हमको सिर्फ काम दो, अगर आप नहीं दे सकता तो बोलो, अगर कंपनी बंद करने का तो हमारा हिसाब दो, बाकी कुछ नहीं। हमारा 10 महीने से पगार नहीं है, हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं, हमारे स्कूल का फीस नहीं भर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, लाइट बिल नहीं भर सकता है, हम लोग ने होम लोन लिया वो नहीं भर सकता है, हम लोग किधर किधर से पैसा कर्जा उठा है, LIC का पैसा LIC बंद किया है, TF का पैसा निकाला है, आज हमारे पास कुछ नहीं, घर में सब बेच के हम लोग बैठा हुआ है। हम लोग का ऐसा घर में ऐसा कंडीशन होता है कि घर में झगड़ा होने के बाद ऐसा लगता है कि हम लोग फांसी लगा के हम जाए तो किसके पास जाए। तो कम से कम हमारा जो है हिसाब है रिटायरमेंट तक का वो हमको मिलना मांगता है, हम इतना ही हमारा ये है। CM के पास हमारा मीटिंग हुआ तो CM ने 5 बार हमारा मीटिंग रखा, 5 बार मीटिंग कैंसिल हो गया, आज भी मीटिंग रखा था, सैटरडे को भी रखा था, वो भी कैंसिल हो गया, उसका लेटर भी हमारे पास है, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग होता नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कोई हमारा माए बाप नहीं है, ना मैनेजमेंट है, ना मुख्यमंत्री साहब है। हम लोग 1200-2000 कामगार मर रहे हैं, 10 महीने पगार हो गया नहीं, हम लोग करे तो क्या करे, हम हमारा ये कर सकता है, लेकिन हमारे बच्चे लोग कौन देखेगा, कौन देखेगा, कोई तो बताओ, हमारा कोई माँ बाप है नहीं है ना। सर का नाम बताइए आपका। सर जी मेरा नाम मुकेश विलास चिकने है। सर जी आज ये जो चक्का जाम हुआ है ये 9 महीने से, 9 महीने से पेमेंट नहीं है, ये सरकार माए बाप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, ऊपर से जो हमारे 9 महीने से पेमेंट में कुछ नहीं, आज हमारा घर पे ताला लगाने की बारी आ गई, इन बेचने की बारी आई है। आज देखो आज ये जगह जो है यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन रहा है, इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन बन रहा है कि इधर के सब मेट्रो छूटेगा, अभी ये जगह को इतना भाव है, लेकिन फिर भी हमको हमारा पगार क्यों नहीं मिल रहा है, कंपनी क्यों नहीं चल रहा है, आज हमारा कितने खाने के वांदे हो गए, कितने खाने के लाले पड़ गए सर प्लीज। तो मेरा मुख्यमंत्री साहब से इतना ही निवेदन है, आप ये राज्य के मुख्यमंत्री हो तो प्लीज हमको है ना, हमारे वर्कर लोग जितने भी 1200 स्टाफ हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ट्रेनिंग वर्कर हो गए, और
परमिट होकर रुके। मैं मुख्यमंत्री साहब से भी निवेदन करता हूँ और हमारे जो मान्यता प्राप्त यूनियन के अध्यक्ष है उनको भी निवेदन कर रहा हूँ कि कोई ना कोई तभी किधर से ना किधर तुम जब ज्वाइंट मीटिंग रखे हमको प्लीज न्याय दो, क्योंकि हम लोग अभी जान लेने के ऊपर आए, जान लेने के ऊपर हमको फांसी लगाने के सिवाय परिवार में आज बीमार हो गए एडमिट हो गए तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं, हमारा पीएफ खत्म हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। इधर जाते तो बैंक हमको लोन नहीं देती है, काम हमको किधर काम नहीं मिलता है, जो काम अगर मिल काम भी मिलता है तो उधर पीएफ पीएफ का कंपनी में लफड़ा करके रख दिया है। अभी क्या करें हम लोग, आप हमारी जो दरखास्त है सब वर्कर हमारे जो महिला भगिनी है और जो कामगार है इन सबका मीडिया के थ्रू वहाँ पे आप पहुंचाओ।